निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा, प्रतिदिन शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसकी यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया, जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तो क्यों चिंता करता है? बच्चे अगर हार रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बहू भी एग्जाम दे रही है, बेटे भी दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हारना नहीं है। शंकर पर विश्वास रखो, भगवान शिव का स्मरण कर, शिव का अनुमोदन कर, शंकर का भजन कर, शिव नाम का स्मरण कर जाओ तो सही। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है आज के पर्चों में कि इसमें जितने पर्चे हैं इसमें सबसे ज्यादा पर्चे इस बात के हैं कि मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लग गई, जॉब लग गई, ये लग गया, वो लग गया, सबसे ज्यादा खुशी इस बात की। और फिर निवेदन करूंगा, ये पर्चे हमारे जाने के बाद यही रहते हैं, आप भी पढ़ लिया करो, हम थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते हो तो आप पढ़ लेना, पढ़ लिया खुशी इस बात की है। हिम्मत ना हारिएगा, हारिया ना हिम्मत बिसारिया ना राम। शंकर का अनुमोदन करते जाओ, शिव का स्मरण करते जाओ, भगवान की भक्ति को धारण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए, फिर काली मिर्च आ गई, ध्यान रखना। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए, फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए, फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही, ये पक्का। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आपको। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो वो सफलता देगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आगरा के अग्रवाल जी का बेटा, उनकी बहन ने फोन करा था कि गुरुजी से इतना बोल दो कि हमारा भाई वो कौन बनेगा, करोड़पति में जाना है, उसका नाम आना चाहिए और बिल्कुल बस पहुंच जाना चाहिए।
तो आशीष जी ने खबर करी कि गुरुजी वो बच्चे का सब दूर हो गया और अब वो बिल्कुल, वो कौन सी सीट होती है, हाँ बस समझ जाओ, क्योंकि हमारे को तो एक ही सीट मालूम है व्यास गाड़ी, तो उस सीट पर वो बैठेगा गुरुजी, उसका सब दूर हो गया, बस वो वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि अब आखिरी है, उसमें भी बहुत सारे रहते हैं, उसमें तुरंत बस उसका आना चाहिए। तो आशीष बोले हमने कहा बाबा का नाम लेकर जाएं, होगा क्यों ना होगा, पर वहां तक तो पहुंच जाएगा वो। उसके बाद तो आशीष जी ने उनकी बहन को फोन कर कर कहा कि गुरुजी बोल रहे हैं वहां तक तो पहुंच जाएगा। उसके बाद तो कहा उसके बाद तो मेरा भाई बड़ा, अब चिंता मत करो, बस वहां तक पहुंचा दो। उसके तो हमने कहा आशीष बस बता दो, शिव जी का स्मरण करो, पहुंचो। पहुंच गए, अब फिर बोली बात याद रखना, गुरु कह रहा है कि पेड़ पे झंडा बांधो, गुरु जी ने ऊपर चढ़ा दिया, उतरते समय उतरता गया, केवल 4 फीट की ऊंचाई बची थी, तो गुरु जी ने कहा मां पांव रख ले, मां कोटर पकड़ ले, मां हाथ रख ले। चेले को गुस्सा आ गया, बताओ मैं इतनी ऊपर से नीचे तक उतरा तो गुरुजी एक शब्द नहीं बोला और अपने आप को गुरु पद दिखाने लगे, नीचे आ गया, नीचे उतरा तो गुस्से में लाल हो गया। गुरुजी ने पूछा बेटा आराम से उतर गया? हाँ गुरुजी, पर आपकी ये बात बहुत गलत लगी मुझे। कौन सी? मैं इतनी ऊपर से नीचे उतरा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि मां हाथ पकड़ लेगी, वो कोटर पकड़ लेगी, वो डाली पकड़ ले, और केवल जरा सी दूरी बची थी, जब तो मैं ही उतर जाता, तो आप बताने लगे कि कोटर पे पांव रख लेना, डाली पकड़ लेना, नीचे उतर जा आराम से, देख के उतरना, संभल के उतरना। गुरुजी बोले भैया बात इतनी सी है, जब व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है और मंजिल से जब नीचे उतरता है तब उसको डर लगता है, भय लगता है, कैसे चढ़ूंगा कैसे उतरूंगा। जब मंजिल करीब में होती है, घर पास में होता है, तो गाड़ी की स्पीड भी तेज कर ली जाती है, अब तो 3 किलोमीटर बचा है, और मालूम पड़े वो 3 किलोमीटर के बीच में ही गाड़ी के सामने सुअर आ गया, तो विचार करिएगा जरा, बहुत सोचने वाली बात है। पशुपति व्रत आप कर रहे हो, पशुपति व्रत आप धारण कर रहे हो, पर निवेदन केवल इतना सा है कि आपकी स्पीड का ध्यान रखना, आपकी स्पीड का ध्यान रखिए, आप शंकर का भजन कर रहे हो, आप स्पीड का ध्यान रखिए, कहीं हमारे व्रत में, हमारी पूजन में, हमारे भगवान की भक्ति में कहीं अहंकार तो नहीं आ गया, वो स्पीड देखना पड़ेगी, अहंकार तो नहीं आ गया, अभिमान तो नहीं आ गया, हम भगवान की भक्ति में डूबने वाले हैं, भगवान मिलने वाला है, बिल्कुल सम्मुख में हमारा काम होने वाला है, पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे, हम वहां तक क्यों, कई लोगों के साथ होता है, सामने थाली लग जाती है, भोजन करने की तैयारी होती है, थाली सरक जाती है, बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल लग गया, अपना तो नाम ही है, और मालूम पड़े गायब, कहीं स्पीड तो तेज नहीं कर ली हमने अपनी गाड़ी की, कहीं अहंकार में तो नहीं डूब गए हम, इसका स्मरण रहे। अहंकार में तीन गए धन वैभव वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, एक जगह कहीं विचार करिएगा, हार श्रृंगार का पुष्प एक अगर देवाधिदेव महादेव को आपने चढ़ाना चालू कर दिया, समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव हाथ पकड़ ही रहता, पारिजात का पुष्प